हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर स्पेशल लाल गाजर के हलवे की रेसिपी। तो आधे घंटे से भी कम समय में मैंने ये हलवा बनाकर तैयार किया है। दिखने के साथ ही टेस्ट में ये हलवा बिल्कुल शादियों या हलवाई जैसा बना है। तो इस इंस्टेंट और बहुत ही टेस्टी हलवे को बनाने के लिए इस वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिल्कुल भी देर किए बिना शुरू करते हैं बहुत कम समय कम मेहनत से बनने वाले इस इंस्टेंट गाजर के हलवे को बनाना। इस हलवे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है ये 1 किलो लाल गाजर। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की पतली और लाल गाजर ली है। इनसे एक तो इस हलवे का कलर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो गाजर को अच्छे से वॉश करने के बाद इसका डंठल वाला पार्ट मैंने कट कर लिया है और गाजरों को छील लिया है। तो अब मैं यहाँ पर इन्हें ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये मीडियम साइज के ग्रेटर का यूज किया है। आप बड़े साइज के ग्रेटर का भी यूज कर सकते हो। बिना ग्रेट किए भी गाजर के हलवे की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, उसे भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक गाजर को ग्रेट कर लिया है। तो सेम प्रोसेस से मैंने यहाँ पर सभी गाजरों को ग्रेट कर लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर रेड गाजर का यूज किया था, इसीलिए आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर इसका आया है। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है, इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून या 1 बड़ा चम्मच घी। घी को यहाँ पर अच्छे से गर्म होने देंगे। तो घी के गर्म होने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी सभी ग्रेट की हुई गाजर। तो गाजर को यहाँ पर घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यूअसली चलाते हुए भून लेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस गाजर के हलवे में। तो अब मैं यहाँ पर इसमें डाल दूंगी चीनी। तो यहाँ पर मैंने ये 1/2 कप या 100 ग्राम चीनी में से थोड़ी सी चीनी बाद के लिए बचा ली है। तो पहले इस तरीके से चीनी डालने से इस हलवे का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो अच्छे से यहाँ पर चीनी को गाजर के साथ मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं ढक्कन लगाकर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक कुक करूंगी, ताकि गाजर सॉफ्ट हो जाए। तो जब तक ये सॉफ्ट होती है तब तक आगे यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस हलवे में डालने के लिए बादाम, काजू और किशमिश के अलावा 1 कप मिल्क पाउडर लिया है और इसी से ये हलवा बहुत जल्दी बनकर तैयार होगा। साथ ही हलवे में मावे जैसा टेस्ट भी आएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने ये 3/4 कप गुनगुना दूध लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी ये 1 कप मिल्क पाउडर। तो इसे डालने के बाद इसमें धीरे धीरे मैं ये गुनगुना दूध ऐड करूंगी और अच्छे से इसे मिक्स कर लूंगी। तो केवल 3/4 कप दूध का मैं इस हलवे में यूज कर रही हूँ। तो धीरे धीरे यहाँ पर हम गुनगुना दूध ऐड करेंगे, जिससे इसमें ज़्यादा लम्स नहीं बनेंगे। तो थोड़े बहुत आप जो ये लम्स देख रहे हो ये हलवे में डालने पर डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो हलवे को कुक होते हुए यहाँ पर 7 से 8 मिनट का समय हो चुका है और मैंने ढक्कन खोल लिया है। तो आप देख सकते हो कि गाजर का सारा पानी सूख चुका है और गाजर भी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। तो जब गाजर इस तरीके से कुक हो जाए और सॉफ्ट हो जाए, तब हम इसमें ऐड करेंगे ये मिल्क पाउडर का घोल। तो सारा घोल मैंने इसमें डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपके यहाँ मेहमान आने वाले हों और आपको जल्दी जल्दी गाजर का हलवा बनाना हो, तो बिना घंटों पकाए आप इस तरीके से केवल 1/2 घंटे में इस गाजर के हलवे को बना सकते हो। तो अच्छे से मैंने यहाँ पर इसे मिक्स कर लिया है। तो इसे अब मैं खुले में ही लो फ्लेम पर कुक करूँगी। तो बाकी बची हुई चीनी भी मैं इस स्टेज में डाल दूंगी। तो गाजर और मिल्क पाउडर दोनों में मिठास होती है, तो 1 केजी गाजर के लिए 1/2 कप या 100 ग्राम चीनी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी।
तो गैस का फ्लेम यहाँ पर मैंने लो कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर तड़का पैन में ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर रही हूँ। तो एक टेबल स्पून घी मैंने इसमें ऐड किया है। तो घी के गर्म होने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी ये कटे हुए बादाम। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा मोटा ही कट करके डाला है। तो यहाँ पर इसे मैंने 1 मिनट के लिए कुक कर लिया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी काजू। तो काजू को भी कंटिन्यूअसली चलाते हुए थोड़ी देर तक हम रोस्ट कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें ड्राई फ्रूट्स का कलर चेंज नहीं करना है। तो आप अपनी पसंद के और भी ड्राई फ्रूट्स चाहो तो यहाँ पर रोस्ट कर सकते हो। तो लास्ट में मैं इसमें किशमिश डालूंगी, ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है। इसे मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकेंड तक ही रोस्ट करने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे। रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स का इस हलवे में क्रंची और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हलवे को चेक कर लेंगे। तो अब मैं कंटिन्यूअसली चलाते हुए इस हलवे को 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करूंगी, ताकि जो इसका मॉइस्चर है वो रिड्यूस हो जाए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर इस हलवे में आएगा। तो अच्छे से यहाँ पर इसे मैं मिक्स कर लूंगी। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर इस गाजर के हलवे का आया है। तो बहुत कम समय में हमारा ये गाजर का हलवा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये 50 ग्राम पनीर लिया है। तो इसे मैं अब हलवे के ऊपर ग्रेट करके डाल रही हूँ। वैसे तो पनीर डालना यहाँ पर ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से एक तो ये हलवा दिखने में काफ़ी टेम्पटिंग लगेगा और दूसरा टेस्टी वो हेल्दी भी हो जाएगा। तो पनीर को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट तक ही मैं यहाँ पर पनीर को कुक करूंगी। लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी घी में रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स। तो आप इन्हें एंड में ही डालें, ताकि जो इनका क्रंचीपन है वो इस हलवे में बरकरार रहे। तो अच्छे से यहाँ पर इसे मिक्स कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में गाजर को भूनने में मैंने 1 चम्मच घी और ड्राई फ्रूट को भूनने में 1 चम्मच यानी 2 चम्मच घी का ही यूज़ इस हलवे को बनाने में किया है। लेकिन आप चाहो तो एंड में थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हो। तो गाजर का हलवा बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद यहाँ पर मैं इसे सर्व कर रही हूँ इस सर्विंग प्लेट में। तो इस हलवे को सर्व करने के बाद इसे मैं गार्निश कर रही हूँ बारीक कटे हुए बादाम, काजू और पिस्ता से। तो यहाँ पर मैं इसे आपको स्पून से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, लग रहा है ना बिल्कुल हलवाई जैसा या शादियों जैसा गाजर का हलवा। देखने में ये जितना टेम्पटिंग है, यकीन मानिए खाने में ये उतना ही टेस्टी है। तो आप भी बहुत ही जल्दी बनने वाले इस गाजर के हलवे की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।